बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामनेग्राम, भारत में अकलियतों पर, खास तौर पर सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर पहली बार मुस्लिम दुनिया अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है। हमने अपने वीडियोस में आपको OIC के बारे में बताया था कि किस तरह अब OIC ने यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचकर नरेंद्र मोदी सरकार के जुल्म-ओ-सितम को उजागर करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब उसके बाद एक और बड़ी आवाज इस सारी मुहिम में अब जुड़ चुकी है और वो आई है कुवैत की पार्लियामेंट से। कुवैत के पार्लियामेंटेरियंस के एक बड़े ग्रुप ने अपनी हुकूमत से ये डिमांड की है कि सबसे पहला काम कुवैती सरकार ये करे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर मेंबर है, चाहे उसका सरकार के साथ ताल्लुक हो या ना हो, सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी है तो कुवैत में उसके दाखिले पर मुकम्मल तौर पर बैन डाला जाए। अब सिर्फ कुवैत में इस वक्त 18 लाख के करीब भारतीय बरसरे रोजगार है और वहाँ से जरे मुबादला कमा कर वो अपने मुल्क भारत भेजते हैं और जहाँ से उनके खानदान पलते हैं और भारत की इकोनॉमी फलती फूलती है। अब कुवैत के इस ऐलान के बाद पूरे भारत में एक भूचाल सा बर्पा हो चुका है कि चूंकि वो अंधे भक्त जो अब कुवैत में रहते हैं, उन अंधे भक्तों को नरेंद्र मोदी की सपोर्ट में जो वो ट्वीट्स करते हैं या भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं, वो अब उनके गले पड़ता नजर आ रहा है और उन्हें वहां से लाते मारकर डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी UAE की प्रिंसेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात पर लाकर छोड़ा था। और अगर इसी तरह दुनिया भर के बड़े बड़े इस्लामी ममालिक कश्मीर पर भी अपने मुद्दे को उठाएंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार जरूर बैकफुट पर जाएगी। अब भारत के अंदर जब ये खबर पहुंची और ये ट्वीट्स पहुंची तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन सहाफियों ने भी कैंपेन चलाना शुरू कर दी जिन्हें हम असल में सहाफी कह सकते हैं और जिनका गोदी मीडिया से ताल्लुक नहीं। वो भी नरेंद्र मोदी को ये कहते नजर आते हैं कि अगर सिर्फ कुवैत ही इंडिया के खिलाफ हो जाता है तो 18 लाख खानदानों पर इसका असर पड़ेगा और भारत में पहले ही इतनी बेरोजगारी है और तुम उन्हें कहां पर एडजस्ट करोगे। और अगर 57 ममालिक की तंजीम ने ये फैसला कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की वजह से हम मुकम्मल तौर पर इंडिया का बायकॉट करते हैं तो फिर भारत का क्या हाल होगा। आइए आपको सुनाते हैं भारतीय सहाफी की जुबानी कि कैसे वो नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहा है और उसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों पर जो जुल्म तुम करते हो उसे बंद करो वरना भारत बंद हो जाएगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक जो है वो काउंसिल, उसने भारत से कहा कि ये जो आप परदर धर्म और नरसंहार की बात आपके यहाँ हो रही है इसको रोका जाए। अब इसके अलावा एक बड़ी खबर और आ रही है, कुवैत के जो पार्लियामेंटेरियन है तमाम ने इकट्ठे होकर के सरकार से कहा भारत से कि क्या हो रहा है आपके यहाँ, क्यों नहीं रोकते। और उसने तमाम दुनिया के मुसलमानों से कहा कि यूनाइट हो जाइए क्योंकि भारत के अंदर भी इस तरह का जुल्म सितम हो रहा है। भारत के कुवैत के क्या क्या ताल्लुकात रहे ये तो मैं बताऊंगा बाद में, पहले खबर देखें। विनोद कापड़े लिखते हैं कि दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर रहे हैं बॉम्बई, यस कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बॉम्बई, इनके बाप भी वाले साहब भी चीफ मिनिस्टर थे। और नरेंद्र मोदी इनको टारगेट, इनको जो है ट्वीट करते हुए लिखा इन्होंने, अब देखें आपकी स्क्रीन पर ये अरबी में है लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़कर सुना देता हूं क्या लिखता है वो। अ ग्रुप ऑफ पावरफुल कुवैती पार्लियामेंटेरियंस हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट, एक मजबूत ग्रुप कुवैती पार्लियामेंटेरियन का डिमांड करता है गवर्नमेंट ऑफ कुवैत कुवैत से कि टू पुट एन इमीडिएट बैन ऑन द एंट्री ऑफ एनी मेंबर्स रूलिंग बीजेपी इंडिया इन टू कुवैत। उसने अपनी कुवैत गवर्नमेंट से कहा कि बैन कर दीजिए हिंदुस्तानियों को कुवैत में आने के लिए। कहां कहां बैन कराएंगे आप बुरखा बैन करने के चक्कर में भारत के लोगों को कहां कहां बैन कराएंगे। 14.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं कुवैत के अंदर, आपके चंद जो लोग बच्चों के बुरके उतारने में मालूम है क्या होगा, 14 लाख परिवारों का नुकसान होगा। वहां के पार्लियामेंटरीज के तमाम ग्रुप ने कहा अपनी कुवैत की सरकार से कि इनका बैन कर दो, भारत कुवैत के अंदर नहीं आने चाहिए हिंदुस्तानी, ये लिखा है इसके अंदर। वी कांट सिट बैक एंड वॉच मुस्लिम गर्ल्स बीइंग पब्लिकली प्रोसिक्यूटेड, दे सेड हम चुपचाप नहीं बैठ सकते कि लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को पब्लिकली जो है बदतमीजियां की जा रही हैं। टाइम फॉर उम्मत टू यूनाइट, और उम्मत के लिए वो अपने लिए बोलते हैं कि तमाम मुसलमानों को यूनाइट होने की जरूरत है। ये अरबी के अंदर फोटो है, देख लीजिए इसके अंदर ये लिखा है अंग्रेजी में और मैंने आपको अरबी में दिखा दिया। OIC भी कहती है, और अब यह कुवैत का जो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है उसने कुवैत सरकार से कहा कि आप बैन लगा दीजिए। अब अगर ये शुरुआत हो गई तो कितने भारत के आपके हाथ रोजगार है नहीं, आपने तो रोजगारों के अंदर कितनी कमी ये तो बताएंगे नहीं आप। आप तो ये बताएंगे कि बनारस का कॉरिडोर बनाएंगे हम, आप तो ये बताओगे कि देखो राम मंदिर बना रहे हैं हम, आप तो ये कहोगे कि कांवड़ियों के ऊपर हम फूल डाल रहे हैं, आप रोजगार के बारे में नहीं बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूं कि कौन कौन लोग हैं वहां पर, कौन कौन लोग खतरे में आ सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट है ABP की, कुवैत की, इसके अंदर लिखा है
कि कुवैत में इस वक्त करीब 14.5 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। अगर कुवैत के अंदर एक संसद में बिल पेश हुआ था वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ संख्या बताने की बात कर रहा था। 14.5 लाख लोग वहां रहते हैं। अब देखिए, जानकारी के मुताबिक कुवैत में विदेशियों की संख्या सीमित करने के लिए वहां कानून बन रहा है। अगर वो कानून बन गया, हालांकि वो अभी तक बना नहीं मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 14.5 लाख अगर लोगों के साथ उन्होंने बैन कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, आप लोगों की एंट्री बंद कर दी, और अभी तो कुवैत की बात चल रही है, बाकी अरब देशों में अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा? चिंता है या वोट की चिंता है सिर्फ कि किस तरह से जोड़ तोड़ करके, जातियों को बांट करके, धर्मों में बांट करके सरकार बना ली जाए? OIC भी कहता है, कुवैत भी कहता है, UNO की तरफ से भी रिकमेंडेशन आती हैं, लेकिन मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी अकाउंट में ये बात गूंजती है कि आप ही के उत्तर प्रदेश, आप ही के उत्तराखंड में, जहां पर आपके पुष्कर धामी चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पर मुस्लिमों का धर्म, जो मुस्लिमों का नरसंहार करने की आह्वान किया जाता है, और आप ही का बॉम्बे चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक का, और वहां पर बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, और महिलाएं रोने को तैयार है जो वहां टीचर्स हैं, उनके भी बुरके उतार के क्या मिलेगा आपको, बताइए? और अगर आपको उतारना तो उतार दीजिए फिर सरदार की पगड़ी, उतार दीजिए तिलक, अगर धार्मिक चीजें आपको नजर आती हैं, और पहले से जाती थी वो लड़कियां, पहले से वो टीचर्स जाती थी, आपको क्या हुआ है? चुनाव की वजह से क्या ये ऐसा है कि चुनाव की वजह से कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है? हिंदू मुस्लिम नहीं बन पा रहा है, मंदिर मस्जिद नहीं बन पा रहा है, ये वाली बात आपने लेकर आए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले गुंडागर्दी थी, और अब क्या हो रहा है? कानपुर के अंदर एक लड़की प्रियंका गांधी से मिलकर रोती है, वो है लॉ एंड ऑर्डर? तो कहने का मतलब दर्शकों यह है कि भारत की बदनामी के लिए अब इंतहा हो चुकी है, और कुवैत के अंदर तमाम सांसदों ने, बहुत बड़े मजबूत ग्रुप ने अपनी सरकार से कहा कि बंद कर दीजिए और बैन लगा दीजिए इन पर, और अगर बैन लग जाता है तो वहां काम करने वाले जब वापस आएंगे तो उनसे लगवाइएगा जय श्री राम के नारे, उनसे कहिएगा साहब ये नकाब के चक्कर में कहेंगे उनका परिवार पलता हुआ नजर अच्छा नहीं आ रहा आपको? बेरोजगारी के आंकड़े क्या है, क्या बताया आपके किसी मंत्री ने? 53,000 करोड़ रुपया आपने 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया कि लोगों के 2 वक्त का जो है खाना मिल जाएगा, चूंकि चुनाव मार्च तक, और मार्च के बाद कौन देगा? फिर पेट्रोल के रेट आपने किसी तरीके से, कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव की वजह से? यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो संरचना है राजनीति की, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर केंद्रित होगी कि चुनाव पर अगर ये चीज इफेक्ट डालती है तो रोक दीजिए, मार्च के बाद भी आप खाना देंगे? 80 करोड़ लोगों को राशन की बात करते हैं आप, क्या मार्च के बाद भी आएंगी आपकी सीता निर्मल रमन? आएंगी नहीं आएंगी? मार्च तक का राशन बताया था ना सिर्फ, और वहां का भी राशन बंद कराने के चक्कर में है कि बेरोजगारी फैल जाएगी, बाहर जो काम कर रहे हैं उनको भी चैन से नहीं, सुकून से नहीं रहने देंगे। ये मोबाइल और डिजिटल दुनिया है, यहां पर ये मत समझिए कि आप कोई भी सरकार जो है किसी के साथ भी कोई हरकत करेगी और वो देश की सीमा पार करके वापस नहीं जाएगी। बात